सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई कॉइल या सोलेनोइड है, सपोज करो ये कॉइल या सोलेनोइड है और इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई। जैसे करंट फ्लो करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर आप इस करंट को कॉन्स्टेंट रखोगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ये कॉन्स्टेंट रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, या फिर इसको हम बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी, बी भी कॉन्स्टेंट है, जो सोलेनोइड या कॉइल होगी उसका एरिया भी कॉन्स्टेंट होगा, और थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी कॉन्स्टेंट होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। और अगर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। अब मान लो कि ये जो करंट है इसको हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, मान लो इस करंट को आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने करंट इंक्रीज किया तो इससे इस सोलेनोइड या कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या हुआ, इस कॉइल या सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब फ्लक्स में चेंज आया। अगर करंट के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस सोलेनोइड या कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। कॉइल के अंदर खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने से उसमें खुद में ही ईएमएफ के इंड्यूस होने की जो फिनोमेना है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। खुद के अंदर ही करंट में चेंज आ रहा है और खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है।